भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसीबी के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने की। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि 15 जुलाई 2024 को एसीबी राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर मेहरडा ने अपने संबोधन में बताया कि स्थापना दिवस का मुख्य समारोह बिड़ला ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिकों और एसीबी राजस्थान टीम के सदस्यों की उपस्थिति की उम्मीद है। महानिदेशक ने कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह दिवस एसीबी की टीम को अपनी प्रतिबद्धता और लक्ष्यों की याद दिलाने के साथ साथ आम जनता में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है। डॉक्टर मेहरडा ने कहा कि समारोह के माध्यम से समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश भर के सभी एसीबी चौकियों में 15 जुलाई से 19 जुलाई तक जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें आमजन की सहभागिता उपेक्षित है। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। 15 जुलाई 1957 को एसीबी की स्थापना हुई थी, गजट नोटिफिकेशन निकला था और पहली बार हमने सोचा कि इस वर्ष स्थापना दिवस हमारा 15 जुलाई को हम मनाएं। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी कर्मी हैं वो पुलिस कर्मी पुलिस डिपार्टमेंट से आते हैं और उनमें जो टीम भावना है, उनमें जो मोटिवेशन है, मनोबल बढ़ाने का बात है और एक एसीबी एज अ ऑर्गेनाइजेशन में गर्व महसूस करने की बात है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में काम में मदद मिलेंगी हमें, और जितने ज़्यादा लोग मोटिवेटेड रहेंगे, मनोबल बढ़ेगा तो नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति से वो काम कर पाएंगे। दूसरा उद्देश्य ये है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जन को भी ये पता चलेगा कि एसीबी कुछ है संस्था। हालांकि हमारी इस हेल्पलाइन पे आते रहते हैं फ़ोन, लेकिन और प्रचार होगा एसीबी का और सूचनाएं जो हमें चाहिए भ्रष्टाचार की के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, वो निश्चित रूप से जानकारी और आएगी, ऐसा हमारा मानना है। सर, एसीबी का मुद्दे सजग रहे, हिस्सा तर्क रहे और अभी अगर हम बजट की बात करें, अभी राज्य का बजट गया, केंद्र का आने गया, समय समय पर मांग उठती रही है, भले आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, कि ऐसे गैजेट्स या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का समय लगे किसी भी क्राइम को पकड़ने में। देखिए, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे भी करा रहे हैं और लगातार उसमें अपग्रेड करने की का प्रयास कर रहे हैं। केवल ये है कि इसमें जब एक बार आइडेंटिफाई होता है तो इसकी प्रक्रिया होती है और सरकार से उसके बारे में हम प्रस्ताव भेजेंगे और इस तरह के गैजेट्स जब आएंगे और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे CBI है, दूसरे स्टेट्स, उनसे भी हम लगातार नोट शेयर करते रहते हैं, उनसे भी हम लोग पता करते रहते हैं कि क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन में नया चल रहा है। तो वो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि न्याय मिलने में काफ़ी देर लग जाती है, काफ़ी लंबी एक प्रक्रिया हो जाती है, तो इसके लिए कुछ आपने सुझाव सरकार के लिए या फिर आप अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम अपने लेवल पे जो कर रहे हैं कि एक तो जितनी पुरानी पेंडेंसी है, लंबित पत्रावलियाँ हैं, उनको हम प्रायोरिटी से सबसे पुरानी और उससे बाद की उनको निपटाने का हमने एक अभियान सा चलाया विभाग में और काफ़ी अब हम उस प्रक्रिया में सफल भी हो रहे हैं। काफ़ी पुरानी लंबित पत्रावलियाँ को हम डिस्पोजल भी कर रहे हैं। तो जब इतनी डिस्पोजल होंगी तो निश्चित रूप से जो बोझ है कर्मियों पे अनुसंधान अधिकारी वो कम होगा और काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और रही बात प्रोसिक्यूशन की और कन्विक्शन की और कोर्ट्स की, तो उस बारे में मीटिंग होती रहती हैं सभी विभागों की
तो हमारे हम भी अपने सुझाव देते रहते हैं।